एक सास बहू में बहुत लड़ाई होती थी। एक दिन बहू अपनी दुखड़े को लेकर किसी महात्मा के पास गई और अपनी सास की बताने लगी कि मेरी सास बहुत लड़ती है। महात्मा जी ने सोची कि कमती तो तू भी नहीं है, तो महात्मा जी ने अब और तो क्या सलाह दूं, एक दवाई दे दी। बोले, ये हिमालय की दिव्य औषधि है, जब तेरी सासू लड़े तू अपने मुंह में एक घूंट ले लेना, जब तक वो चुप ना हो जाए, लड़ाई पूरी बुझ ना जाए, सटकना नहीं। बोला ठीक है। अब स्वाभाविक है, एक घूंट पानी आप मुंह में ले लीजिए तो आप बोल तो सकते नहीं है, आपको कितनी भी गुस्सा आ रही हो पर आपको पहले वो सटकना पड़ेगा तभी आप बोल सकते हैं, बिना थूके बिना सटके आप बोल नहीं सकते। तो बेचारी सास अकेली अकेली बोलती रहती तो कब तक बोलती, फिर वो थक हार के चुप हो जाती। महीने डेढ़ महीने में वो कहने लग गई कि मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, देखो मोहरे ते बोले तक नहीं है, कितनी अच्छी बहू है मेरी। अब तो वो भगी भगी महात्मा जी के पास गई, बोली, महाराज क्या बताऊं, मेरी तो सास सुधर गई। अब महाराज कैसे बताएं कि सास तो अभी भी पहले जैसी है, जो तूने जवाब देना बंद कर दिया है उसकी वजह से लड़ाई एक तरफा हो गई, और एक तरफा लड़ाई कब तक चलेगी, कभी ना कभी बुझ जाएगी। अच्छा कोशिश करो जवाब देने से बचो, अगर घर में कलेश नहीं चाहते हो ना तो जहां जवाब देने से चुप रहने से काम चल जाता है वहां जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार जवाब देने से आग में घी पड़ जाता है, कलेश और बढ़ जाता है, और कलेश को जितना बुझाओ उतना अच्छा, क्योंकि रार बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, कलेश बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, पुरानी बातों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, उनको दब जाने दो। अगर बहुत कहने का मन करे ना कि कहे बिना रहा ही नहीं जा रहा, तो कमरा बंद करके अपने ठाकुर जी को सुना लेना, उनको खूब बार बार के सुना लेना, वो सबकी सुनते हैं तुम्हारी भी सुन लेंगे। पर लोगों को कुछ मत कहना, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनकर हंसी है लोग सब, बांट न लई है कोई। ये दुनिया मजाक उड़ाती है, क्या किसी का बुरा मानना। अभी मैं कथा सुना रही हूं, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है, कुछ लोग बड़ी सहानुभूति करेंगे, उनको बड़ी दया आएगी, महाराज जी बीमार हो गए, कुछ मजाक उड़ाएंगे, देखो कैसी आवाज निकल रही है, मुझे पता चल जाता है, पर क्या कर सकते हैं, आपकी कुछ कमी होगी तो आपसे जलने वाले लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, पर उनकी फिक्र ना करो। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं कि बेटा, हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते ही क्यों भौंकते हैं, क्योंकि कुत्तों को पीड़ा होती है, कुत्तों के बीच में ये हाथी आया क्यों है। ऐसे ही तुम्हारी देख कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी कमियों पर हंसेंगे, तुम्हारी बुराइयों पर हंसेंगे, पर उनको लेके रो मत, दुनिया से कुछ कहो मत, क्योंकि
किसी से कुछ कहने जाओगे लड़ाई और बढ़ेगी और रार बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप किससे कहने जा रहे हो, यहां है कौन तुम्हारा अपना? अगर कुछ कर सकते हो ना, ये संसार भिकमंगों का है, बस अपनापन बांटो, अपनापन मांगो मत, अपनापन बांटो। हो सके तो तुम किसी की मजाक उड़ाने से बचो, दूसरे मजाक उड़ाते उड़ाने दो। तुम अपनी ओर अपने ऊपर कर सकते हो कि तुम किसी की मजाक मत उड़ाओ, तुम किसी पर व्यंग ना करो, तुम किसी को पराया ना करो, तुम किसी को बुरा भला ना सुनाओ। बाकी दूसरे क्या करते हैं वो तो उनकी जिंदगी है ना। हमारी आत्मा पर हमारा वश है, दूसरे की आत्मा पर हमारा वश नहीं है। इसीलिए दूसरा हमें प्यार देगा कि नहीं, दूसरा हमें अपनापन देगा या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम प्यार देते हैं या नहीं, हम अपनापन देते हैं या नहीं, दूसरा हमें सम्मान नहीं देता तो ये उसकी कमी है, पर हम दूसरे को सम्मान नहीं देते ये हमारी कमी है। लोग तो इसलिए भी नाराज हो जाते हैं कि बताओ हमने मैसेज किया था और हमारे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। इस बात पे भी लोग गुस्सा हो जाते हैं। लोगों का क्या है, गुस्सा तो सबके नाक पे रखी है। इसीलिए फिक्र नहीं, अब दूसरों की फिक्र करो, अपनी अपने स्वभाव की जागृत होकर फिक्र करो, अपनापन बांटो, सम्मान बांटो, प्रेम बांटो। देखो पूरी दुनिया भिखारियों की तरह प्यार मांग रही है, आओ राजा बनकर दुनिया को प्यार लुटाने के लिए जाते हैं। कोई तो राजा होना चाहिए कि नहीं, तो हम ही राजा बन जाते हैं। सब प्यार मांग रहे हैं, सब भिखारी हैं, सबके कमंडल खाली हैं, सबको चाहिए, लेकिन हम राजा हैं, हम सबको प्यार देने वाले बन जाते हैं, हम सबको अपनापन देने वाले बन जाते हैं। लोग कह रहे हैं कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, आओ हम ऐसे बन जाते हैं कि सबको हम अपने जैसे लगे, सबको हम अपने जैसे लगे। मैं जिस गली से निकल जाऊं उस गली से अपने पन की खुशबू आती हो, मैं किसी के लिए पराया ना रहूं, यही मेरे होने का वास्तविक अर्थ है।